हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस के सिलसिले में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट सेमीकंडक्टर एंड इंडिया, राइट। सेमीकंडक्टर में इंडिया की क्या पोजीशन है, क्यों हम एक सेकेंड जस्ट गिव मी वन सेकेंड यस इतना तवज्जो दे रहे हैं, बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री अगर यूएसए जाते हैं तो वहाँ से कोई डील करके आ जाते हैं सेमीकंडक्टर के फील्ड में, और साथ ही साथ यूएसए जैसा कंट्री और भी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो वाई इंडिया में इतना रिलायंस दिखा रहे हैं, क्यों इंडिया को इतना सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, नो नीड टू वरी अबाउट टेक्निकलिटी से बिल्कुल नहीं समझेंगे, और फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया में सेमीकंडक्टर का मार्केट कितना है और प्रोबेबिलिटी कितनी है कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, राइट। सेमीकंडक्टर आखिर है क्या, तो ये हमने 11th क्लास और 12th क्लास में अगर किसका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा तो दे नो कि सेमीकंडक्टर क्या है टेक्निकल टर्म्स में, राइट। लेकिन जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं जो हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से ना हो या फिर जनरल पब्लिक अगर कोई वीडियो देख रही होगी तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो देखिए तीन चीज है इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, और जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मतलब ऐसा कोई भी मतलब एंटिटी पदार्थ या इक्विपमेंट जिसपे कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास कर सके, राइट, दैट इज कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल होता है क्या, कॉपर। घरों में जो वायर होते हैं वो कॉपर उसमें लगा होता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है कॉपर से बहुत आसानी से पास होती है, राइट। तो वो हो गया कंडक्टर। दूसरा इसका अपोजिट हो गया इंसुलेटर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, जैसे कि वुड है ना, लकड़ी होगी, लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। कंडक्टर का अपना यूज़ है, इंसुलेटर का अपना यूज़ है। कंडक्टर का यूज़ आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में लगानी है, कहीं भी लगानी है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना कम वेस्टेज होगा। इंसुलेटर का अपना यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी के वुड्स के में इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने के कारण करंट नहीं लगता, और भी अलग यूज़ है। लेकिन एक तीसरी चीज़ है वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर तो है लेकिन सेमी मतलब आधी कुछ, मतलब बेसिकली अगर हम समझे तो हम किसी इलेक्ट्रिसिटी किसी पदार्थ में हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और वो कंट्रोल करने वाली जो चीज़ होती है उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर आप समझिए कि एक तरीके से ट्रैफिक सिग्नल है, किसका, इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही होती है तो उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ठीक। तो वैसे ही सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस लेवल के पास होंगे वो डिसाइड हो जाता है थ्रू ट्रैफिक लाइट से। ट्रैफिक लाइट मतलब कि एक सिग्नल से जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, राइट। तो ये होता है सेमीकंडक्टर का सिंपल सा मतलब कि इलेक्ट्रॉन में किसी पदार्थ में, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन एक मान लीजिए जैसे कॉपर है वैसे सिलिकॉन एक धातु हो गई, ठीक है, मेटल हो गया। सिलिकॉन से अब कितना इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, उसके लिए चिप्स वगैरह बनाना होता है, बीच में रोड ब्लॉक्स लगाने होते हैं, ट्रैफिक लाइट लगानी होती है उसको। ट्रैफिक लाइट ऐसे नहीं मतलब चिप्स होते हैं, अभी मैं आपको इमेज से दिखाऊंगा। तो वो होता है सेमी कंडक्टर, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि ये देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आपने हर किसी ने देखा होगा, हम बचपन में भी देखते थे, बड़े फैसिनेटिंग होते थे, इससे खेलते थे, कलर कोडिंग होता था, सब होता था। फिर जब हम आगे 12th क्लास 11th क्लास में पढ़े तब समझ में आया कि भाई ये तो रेजिस्टर है, ये आईसी है। आईसी वो चीज़ है जो आजकल हर जगह, सारे आपके स्मार्टफोन देख लीजिए, आपका मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, कैमरा देख लीजिए, जो इनका साइज़ छोटा होता जा रहा है, रीज़न यही है आईसीज के कारण, राइट। तो ये आईसीज होती है, सब सेमीकंडक्टर ही है, राइट। डायोड्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, दीज ऑल आर सेमीकंडक्टर्स। वी हैव सीन देम मैनी अ टाइम्स, है ना, विदाउट नोइंग कि व्हाट आर दे, बट हमने उनको देखा है। अब बात होती है कि भाई सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है।
ठीक, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती सेमीकंडक्टर की, क्योंकि जो कंडक्टर है जैसे कि कॉपर हो गया तो नेचुरल पाया जाता है ना, इंसुलेटर भी नेचुरल पाया जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको मैन्युफैक्चर करने का। सबसे पहले तो ये सिलिकॉन की जो आपको ये थिन वेफर दिख रहा है, ये वेफर जो दिख रहा है ना, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल दिख रहा है, यही बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ये बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक। लेकिन अगर आपको समझना है कि जो चिप्स होती हैं सिलिकॉन की चिप, जो प्रोसेस है सेमीकंडक्टर चिप प्रोसेस बनाने का है, वो आप ये समझ लीजिए कि छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी जगह, ये यहाँ की ऐसी जगह, और इस पे आपको टाइनी प्लेस पे एक पूरी सिटी खड़ी करनी है, और सिटी खड़ी करने पे आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ड्रेनेज, रोड ब्लॉक्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब खड़े करने। तो वो सेमीकंडक्टर में क्या कहलाएंगे, इस डिवाइस में वो सिटी से कैसे रिसेंबल करेंगे, जैसे आप रेजिस्टर्स लगा दीजिए, कैपेसिटर्स लगा दीजिए, सब छोटे 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 रहेंगे, तो वो एक कितना मुश्किल प्रोसेस होगा आप उससे समझ सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस है, इसलिए अभी इंडिया में ये इतना हमने अचीव नहीं कर पाया है, इतनी स्किल्स, इतनी कैपेसिटी कि हम बना सकें सेमीकंडक्टर, राइट। अगर मैं जोकिंग वे में कहूँ तो अभी तो हम बड़े स्पेस में सिटी बनाना नहीं सीख पाए हैं, तो इतने छोटे से स्पेस में सिटी बनाना कहाँ से सीखेंगे। हमेशा कहा जाता है कि इंडिया के जो डेवलपर्स हैं, जो अर्बन प्लानर हैं, पता नहीं क्या कैसे प्लान करते हैं कि वो सड़क के किनारे, सड़क में पहले तो सड़क बना देते हैं लेकिन पाइप डालना ही भूल जाते हैं, तो फिर जब उनको याद आता है तो फिर सड़क खोदते हैं और फिर उसमें से पाइप डलती है, राइट। तो अभी सेमीकंडक्टर बनाना बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर बन सकता है, राइट। तो आगे देखते हैं, अगर इंडिया में नहीं बनता तो ये बनता कहाँ है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे अवेलेबल होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं तो बनता होगा, तो ये वर्ल्ड की टॉप 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। सबसे पहला कौन है, ताइवान, दूसरा साउथ कोरिया, फिर जापान, फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन चाइना, वर्ल्ड की 5, ठीक है, जिसमें से आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना ऑलरेडी पावरफुल कंट्रीज हैं, है ना, और ताइवान का बहुत छोटा सा देश होने के कारण, ठीक, चाइना का ही पार्ट है ताइवान, मतलब माना वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत इसको मानता है चाइना कि हमारा ही पार्ट है, तो बहुत इसका इकोनॉमिक पावर इस चक्कर में है, इसका इन्फ्लुएंस जो है इस कंट्री ताइवान के कारण, ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिलिकॉन या सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के कारण इट्स कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। और यहीं से मैं आपको बताऊं कि यूएसए इंडिया में सेमीकंडक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि ताइवान पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, जो कि रिलाय नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो किसी भी मौके पे ये लोग अगर मान लीजिए सप्लाई बंद कर देते हैं तो सारा मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ हो जाएगा, जैसा कि अभी एक दो साल पहले देखा गया था कि सेमीकंडक्टर सप्लाईज की, चिप्स की सप्लाई की कमी आ गई थी, राइट। तो उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ा गया और साथ ही साथ प्राइजेस बढ़ गए थे, जो कौन से डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे। तो यूएसए जो है एक रिलायबल पार्टनर विच इज इंडिया, इसको फोकस कर रहा है, इस पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी कंपनीज भी हम देखेंगे, टॉप कंपनीज, तो वो कंपनीज चाह रही हैं कि इंडिया में हम अपना प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश कर लें, जिससे कि इसके ताइवान पर पूरी डिपेंडेंसी खत्म की जा सके, कम की जा सके। तो एक जियोपॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये समझाना था आपको। अब आगे देखते हैं कि कंपनीज देखिए, तो ये कंपनी भी आपने सुनी होगी, अगर थोड़े से भी अवेयर होंगे तो सबसे बड़ी चीज, अगर आपने ये इंटेल सुना होगा, इंटेल का प्रोसेसर आता है, ठीक, हर कंप्यूटर में यूज़ होने वाले प्रोसेसर में मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में इंटेल यूज़ करते हैं, और एक दूसरा AMD जिसको बोलते हैं अप्लाइड मटेरियल, और डी से एक अलग वो होता है AMD प्रोसेसर, राइट। फिर जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा NVIDIA का ग्राफिक कार्ड्स होता है। तो ये सारी कंपनीज के नाम है और ये टॉप की कंपनीज है, इनका अगर आप रेवेन्यू 2022 के हिसाब से रेवेन्यू देखेंगे तो देखिए बिलियंस में इनका रेवेन्यू है, राइट, 75 बिलियंस 65 बिलियंस, है ना। और एक और नाम आपने सुन रखा होगा, क्वालकॉम, राइट। जब भी हम नया मोबाइल लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्वालकॉम प्रोसेसर। तो ये कंपनीज हैं, राइट, और ये TSMC जो है यही कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी ताइवान में है,
राइट, ताइवान की कंपनी है। तो ये कंपनीज हैं, इसमें ऑब्वियसली इंडिया में ऐसा कोई कंपनी है नहीं, तो इसलिए कोई इंडियन कंपनी का नाम नहीं है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, यूएसए की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, जिसने जिसका चाइना में भी प्लांट है और अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में भी था। तो ये सारी कंट्रीज हैं, इंडिया का कहीं पर इसमें नाम नहीं है। इशू क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़ में? सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, साथ ही साथ जो मतलब न्यूज़ भी आ रहा है कि हमारा मिशन चल रहा है। और अभी दो साल पहले 2021 में एक हुआ था चिप शॉर्टेज। चिप शॉर्टेज मतलब कि वही मैंने आपको बताया, कोविड लगा, कोविड हुआ था तो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने के कारण लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन ये चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग, ये कहाँ से होगी? ये होगी ऑब्वियसली फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज बंद थी जिसके कारण शॉर्टेज आ गया सप्लाई में, और उसके कारण बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, राइट। और ये आप लोगों ने सुना भी होगा, चिप नहीं आ रही है ताइवान से, चिप नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, ठीक। ये एक बड़ा इशू है सिलिकॉन को लेके। दूसरा, पोटेंशियल क्या है? अगर हम बात करें, क्यों बात कर रहे हैं हम भाई, आगे का फ्यूचर क्या है? तो जैसे एक टाइम पहले है ना, कुछ दिनों पहले आपको पता था कि हम बात करते थे जिसके पास ऑयल है, ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल, रिफाइनरी ऑयल्स, ये सारे ऑयल्स, उसका वो वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज हो गया, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई वगैरह ना, ये सब कंट्रीज के पास, इनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। जैसे अगर हम चिप मेकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, वैसे उनकी कंपनी आरामको एक बड़ी कंपनी है ना, ऑयल प्रोड्यूस करने की, ऑयल को निकालने की, प्रोड्यूस क्या मतलब तेल के कुओं से निकालना। अब फिर इसके बाद कहा जाने लगा डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, जितना जितना इम्पोर्टेंस डेटा ऑयल का था उतना डेटा का होने लग गया, राइट, उसकी होड़ चलने लग गई डेटा की, डेटा कलेक्शन की। फिर अभी सेम इतना इम्पोर्टेंस कहते हैं कि चिप्स जो सेमीकंडक्टर्स है वो इन सबको रिप्लेस करने वाला है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल। हर कुछ आज आप खुद देख लीजिए, मैंने तो वैसे ट्रेडिशनल घड़ी पहनी है, लेकिन घड़ी भी आती है, स्मार्ट वॉच आने लग गई है, मोबाइल तो स्मार्ट हो ही गए हैं, एवरीथिंग यू हैव स्मार्ट, राइट। स्पेक्स में आते हैं, आज स्पेक्स में आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि यू कैन आंसर कॉल थ्रू स्पेक्स ओनली, वहीं से गाने सुन सकते हैं आप, सब कुछ इसमें लगा होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वही ये सारी चीज़ें बनाती है, तो सब कुछ डिजिटल होने वाला। बैग की बात करें, बैग भी आजकल डिजिटल हो गए हैं, मैं डिजिटल बोर्ड में से पढ़ा रहा हूँ, जो कभी हमने सोचा नहीं था, जो कभी ब्लैक बोर्ड हुआ करता था या वाइट बोर्ड होता था, मार्कर से लिखते थे। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज फॉर श्योर। और जैसे आपको याद हो 1990s में एक बबल डॉट कॉम बूम आया था। डॉट कॉम बूम क्या? इंटरनेट, पहले वो इंटरनेट बड़ी चीज़ थी, राइट। आजकल हर कुछ, हर छोटी सी छोटी चीज़ की वेबसाइट है, ठीक है, abc.com, xyz.com, हर एक चीज़ की, myacademy.com, हर एक चीज़ की वेबसाइट है। तो वो डॉट कॉम बूम को हम मिस कर गए थे, हमने वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था, वो जो गेन होता है वो गेन नहीं ले पाए थे। इसलिए आज हमारे पास कोई बड़ी कुछ कंपनीज है, डेफिनेटली इन्फोसिस है ना, TCS है, विप्रो है, ये सब इंडियन कंपनीज हैं, लेकिन हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, दीज आर सर्विस सेक्टर्स कंपनी, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज किसी कंपनी का काम ले लेते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट का काम ले लेते हैं और उनको सॉफ्टवेयर सर्विस मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट। प्रोडक्ट कंपनीज कौन सी है? प्रोडक्ट कंपनी लाइक फेसबुक हो गया, गूगल भी, गूगल का जीमेल एक प्रोडक्ट हो गया। जीमेल इतना यूज़ होता है आपको पता भी नहीं होगा, हम सिर्फ फ्री वाला जीमेल यूज़ करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए या जो वेब, जो मान लीजिए मेरी वेबसाइट है saurabhshukla@myacademy.com, तो ये myacademy.com जीमेल ही प्रोवाइड करता है, गूगल ही प्रोवाइड करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वही पोटेंशियल चिप जो है सेमीकंडक्टर गेन करने वाला है कुछ सालों में। जैसे कि आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ स्मार्टफोन ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि इंडिया में 2026 तक कम से कम 1 बिलियन स्मार्टफोन हो जाएंगे। 1 बिलियन स्मार्टफोन, सोचिए कितनी बड़ी चीज़ होती है, ठीक। और जब 5G 6G की बात हो रही है तो उससे डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी, हर चीज़ डिजिटल हो ही रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, जहाँ सब कुछ जुड़ा होगा, थिंग्स का इंटरनेट, राइट, सब कुछ जुड़ा होगा, थिंग्स का इंटरनेट। कैसे? कि मान लीजिए आपका फ्रिज आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ है,
राइट, आपके फ्रिज में चार चीजें आप मान लीजिए सेब खाते हैं डेली, एप्पल खाते हैं, आज एप्पल खत्म होने वाला है तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सेब में सिर्फ फ्रिज में सिर्फ एक एप्पल बचा हुआ है, और आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं एप्पल की शॉप दिख जाएगी, वहां से तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप एप्पल ले लीजिए क्योंकि आपके फ्रिज में सिर्फ चार की जगह एक एप्पल बचा हुआ है। तो ऐसी सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, और ये सब कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही होगा, सेमी कंडक्टर्स के थ्रू ही होगा। तो ये बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, और इसका एस्टिमेशन भी है कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे कितना ग्रोथ होगा और इंडिया लेवल पे कितना ग्रोथ होगा। ठीक, इंडिया की पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया की जो अभी इंडस्ट्री है सेमी कंडक्टर की, वो है 27 बिलियन, ठीक है, $27 बिलियन, जो कि जिसमें 90% जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम खुद नहीं बनाते, 90% चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। और ऐसा माना जाता है कि 2026 तक यानी कि 3 सालों में ही ये 27 बिलियन की इंडस्ट्री बढ़ के 55 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, 55 बिलियन की इंडस्ट्री, राइट, मतलब 3 सालों में इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इतना कोशिश करे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, साथ ही साथ बहुत इंसेंटिव्स दे रही है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का काम किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आ रही है DLI यानी कि डिजाइन लिंक इंसेंटिव, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, राइट। और आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने $10 बिलियन एलोकेट किए थे, किसके लिए, फॉर द ये कंपनीज का प्रोडक्ट, मतलब आए R&D करें, प्रोडक्शन करें, फैब्रिकेशन करें, इसके लिए $10 बिलियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे, राइट। तो गवर्नमेंट भी बहुत हार्ड लेवल पर पुश कर रही है। तो ये इंडिया का पोटेंशियल है आगे वाले समय में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या यूज़ है, क्यों, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ईयर 1989 में ही इंडिया में चंडीगढ़ में सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, जो VLSI यानी कि चिप्स ICs जो होते हैं, उसको फैब्रिकेट करने का प्लांट बन गया था ताइवान से पहले, ठीक, ताइवान जो आज की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे पहले ही हमने एक प्लांट बना लिया था, लेकिन 1989 में वहाँ पे एक बड़ी आग लग गई, आग लगने के कारण वो बंद रही, फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं की गई, और फाइनली अभी हम लोग अप्रूवल मिल गया है कि उसको सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड चंडीगढ़ में जो है उसको हम रिवाइव करेंगे, ब्राउन फील्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। ब्राउन फील्ड दो चीज़ होता है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो होता है जो एकदम स्क्रैच से बनाया जाता है, राइट, और ब्राउन फील्ड वो होता है जो बना होता है और उसको हम कुछ चेंजेस करके फिर से यूज़ करने लग जाते हैं। तो ब्राउन फील्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा चंडीगढ़ में, जो ऑलरेडी थी, आग लग गई थी उसमें, लेकिन फिर हम उसको रिवैम्प कर रहे हैं। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट जो है 2021 में, दिसंबर 2021 में मिशन लेके आती है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको बहुत हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और इसके सेमीकॉन करके बहुत, मतलब एक कॉन्फ्रेंस भी कराती रहती है, 2 कॉन्फ्रेंस हो गए हैं, राइट। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन दैट एम्स टू बिल्ड अ वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम टू इनेबल इंडियाज इमरजेंस एज अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम बनाना, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे चीजें थ्राइव कर सकें, है ना, इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर हम अभी इसके लिए छोड़ दें तो अगर एक इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए इकोसिस्टम पानी होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए, प्योर एयर, राइट, और फिर बाकी चीज़ें उसके लिए, पेड़ पौधे हो जिससे कि प्रोडक्शन हो, और उसके वो एनर्जी फुलफिल करने के लिए खाना बना सके, तो एक इकोसिस्टम है,
राइट इकोसिस्टम, और फिर उसको मान लीजिए काम करना है तो कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे वो काम करके पैसे कमा सके, एक इकोसिस्टम जहाँ पे ह्यूमन कैन थ्राइव। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थ्राइव कराना है तो एक इकोसिस्टम बनाना कि भाई कंपनी सेटअप हो सके सबसे पहले, फिर कंपनी सेटअप हो गए तो उसको लेबर मिल सके, चीप लेबर मिल सके, कम रेट पे लेबर मिल सके, ठीक है। लेबर मिल गए हैं तो वो स्किल्ड लेबर होने चाहिए, फिर उसके बाद अगर लेबर है तो फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का मार्केट होना चाहिए जहाँ पे वो बेच सके। तो ये एक इकोसिस्टम है, कंप्लीट इकोसिस्टम, जो कि ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होता है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, आप मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन अब उसके लिए चिप चाहिए। मान लीजिए मोबाइल है ऐसे मोबाइल, अब तीन चीज चाहिए, एक तो चिप और एक चाहिए मान लीजिए बैटरी, दो चीज, ठीक है। तो आप तो सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, आप बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बैटरी कहीं और मैन्युफैक्चर हो रही है, तो ये सप्लाई चेन हो जाएगा कि मोबाइल के लिए चिप मैं मंगा लेता हूँ ताइवान से, बैटरी मैं मंगा लेता हूँ साउथ कोरिया से, ठीक है, यहाँ दोनों से मंगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ मोबाइल को असेंबल या मैन्युफैक्चर करने का, उसका मोबाइल का कवर बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन है, अगर डिसरप्ट हो जाती है जैसे अभी ताइवान, मान लीजिए चिप नहीं मिल रही, तो फिर मेरा मोबाइल बनाने का काम एकदम से गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने, ठीक है, थ्रू दिस मिशन। साथ ही साथ बहुत डिजाइन एंड स्टार्टअप, जैसे अभी स्टार्टअप हमारे कौन से स्टार्टअप, बेसिकली आप देखेंगे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है लेकिन सर्विस बेस्ड स्टार्टअप ज़्यादा इंडिया में है ना। बायजूस आप देख लीजिए एजुकेशन के लिए था, अनअकैडमी एजुकेशन के लिए था, फिनटेक वाले स्टार्टअप हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा यूनिक आइडिया लेके आते हैं, वही सारे जो शार्क टैंक अगर आप देखते रहे होंगे तो उसमें अलग अलग आइडियाज रहते हैं ना, वही स्टार्टअप है। वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन से रिलेटेड स्टार्टअप बनाए कि कैसे और छोटा बनाया जा सकता है, कैसे और अच्छा डिजाइन बनाया जा सकता है ना, वो चीज़ कोशिश है। और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए किसी ने डिजाइन बना दिया जो एकदम अलग डिजाइन है, बहुत एफिशिएंट डिजाइन है, तो उसने अपना दिमाग लगा के वो डिजाइन बनाया, अब उस डिजाइन को कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए उसको अब उसको कॉपीराइट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई यूज करता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा सब हम कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी प्रोटेक्शन दिया जा सके, ये हमारे एफर्ट हैं इंडिया के, ठीक। और प्रीवियस अटेम्प्ट मैंने एक बताया, जैसे कि वो फैक्ट्री सेटअप हुई थी, इसके अलावा सेमीकंडक्टर से पॉलिसीज जो है सेमीकंडक्टर रिलेटेड 2007 एंड 2013 में भी बनाने की कोशिश की गई थी, राइट, ये बात याद रखिएगा आप, लेकिन इतना पुश नहीं दिया गया था, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं दिए गए थे, बहुत इनएडिक्वेट थे, ठीक है। और दूसरा डिले इन पॉलिसी रोल आउट, जो उस टाइम का एक फीचर है, मतलब अगर आप देखेंगे तो पॉलिसीज तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन वो रोल आउट नहीं होती थी, डिले ही होती थी, ह्यूज करप्शन एंड ऑल वो सारी चीज़ें थी जिसके कारण ये रोल आउट नहीं हो पाया, और आज हमारी पोजीशन ऐसी है कि अभी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते इन कंटेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स और सिलिकॉन चिप, राइट। तो प्रीवियस अटेम्प्ट भी किए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी है, तो उसके लिए तो आप दो तीन फैक्ट समझिए। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इंडिया का जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट है वो डबल हो गया है इन जस्ट वन ईयर, ठीक है, 5.5 बिलियन हो गया। तो क्या ये जो मोबाइल फोन है ये इंडियन कंपनी बनाती है, जो टर्म यूज किया जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये तो हमारी इंडिया जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये आप याद रखिए, बाहर की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज इन इंडिया दे मैन्युफैक्चर, और इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। दूसरा, अगर इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ही देखें कि जो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में कितनी, जैसे मान लीजिए रियलमी का मोबाइल हो गया, वीवो का मोबाइल हो गया, ठीक है, बन रहा है इंडिया में, और इंडिया के लोग कितना खरीदते हैं, वैसा कितना मार्केट है, तो 118 बिलियन डॉलर का मार्केट है, 118 बिलियन डॉलर का मोबाइल का मार्केट है, ठीक है। और
इसलिए ये सब देखते हुए इंडिया में जो देखते हुए कि हाँ ये हम मान सकते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अभी फॉरेन कंपनीज को भी यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि दे विल सर्व इट्स डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज ड्राइव एक्सपोर्ट्स। ठीक है, आएंगी यहाँ पे मोबाइल बनाएंगी, डोमेस्टिक मार्केट को भी सर्व करेंगी। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों की न्यूज़ है, एक महीने पहले की आई गेस, कि मुंबई में एप्पल के सीईओ आए हुए थे और सबसे ओरिजिनल एक एप्पल का आउटलेट उन्होंने खोला। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी अपना बेस इंडिया में शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं और हम भी प्रमोट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, राइट। तो ये डेटा से क्लियर होता है। साथ ही साथ कुछ और अच्छी खबरें हैं कि इंडिया कैन डू गुड, जैसे कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर साल अच्छा हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू बिजनेस इन एनी पर्टिकुलर कंट्री सो यू कैन सेटअप इट ईजिली। बहुत आसान है सेटअप करना, बिजनेस चलाना, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। जैसे कि कोई परमिशन लेना आसान हो गया, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जल्दी मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन आसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। तो बढ़ रहा है, इससे ये एक फायदा होगा कि कंपनीज आएंगी और सेटअप आसानी से कर लेंगी। दूसरा, सप्लायर इकोसिस्टम, जैसे कि हम हमारी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू हम एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। R&D हो रहा है ना, रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे पास क्वालिटी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसको हम अगले पॉइंट से मैच कर सकते हैं। टैलेंट, इंडिया में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट अवेलेबल है ना। हम ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं कबाड़ से, जुगाड़, इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ों से। हम देखते रहते हैं रील्स वगैरह में, देखते हैं कितने छोटे छोटे लेवल पे लोग कितना अच्छा चीज़ कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा हम चाहते हैं कि इंडिया का प्लान है कि 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करें और चिप्स टू स्टार्टअप एक स्कीम आने वाली गवर्नमेंट की स्कीम है, उस स्कीम के थ्रू इतने लोगों को ट्रेन करें तो हम एक क्वालिटी साइंटिस्ट, टैलेंट पूल एंड चीप लेबर, है ना, जो कम पैसे में काम कर सके वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो इंडिया में हो ही रहा है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया में सेमीकंडक्टर की क्या हालत है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्यों कर रही है, ये सारी चीज़ आपको मैंने इस वीडियो से बताया, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर लास्ट में दूं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये काम आएगी, कि जैसे USA इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है उसका मैंने आपको रीज़न बताया। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनका कार्टल है। कार्टल मतलब जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी का कार्टल है, मतलब वो डिसाइड करेंगे। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी चाहती हैं तो रेट ऑयल के बढ़ा देती हैं, चाहती हैं तो रेट ऑयल के कम कर देती हैं, ठीक है, इतना उनके पास इन्फ्लुएंस है। वैसे ही इनका भी अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कार्टल है। इनको पता है कि वर्ल्ड में डिमांड है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो कुछ ही कंट्रीज के पास है और ये डिमांड इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में है। तो अगर वो चाहती हैं कि अगर किसी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग को, इकोनॉमी को सफ़र करना है तो ये सफ़र कर सकती हैं। अगर इंडिया इस कार्टल का बनता है हिस्सा, ठीक है, तो ये फिर सोचने वाली बात हो जाएगी कि इंडिया कहीं USA या चाइना के चक्कर में ये किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है, उसमें ना फंस जाए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया इस कार्टल का हिस्सा बनता है तो ये कंट्रीज़ हैं डिक्टेट करेंगी कि आपका लेबर मार्केट कैसा होना चाहिए, एंटी करप्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए और बाकी चीज़ें डिक्टेट करेंगी, जो कि इंडिया अभी तक इंडिपेंडेंटली इन सब चीज़ों को बना रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि जैसे हमने सिर्फ $10 बिलियन अभी तक दिए हैं, लेकिन वहीं चाइना है, चाइना अराउंड $140 बिलियन एलोकेट कर रहा है इस चीज़ के लिए। किसके लिए? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये चीज़ समझिए कि इतना आसान नहीं होने वाला, बट स्टिल वी हैव गुड न्यूज़ एंड वी हैव गुड इंटेंट, सो वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके, कमेंट करके हमको बताइए कि कोई कमी है तो हम उस कमी को कैसे दूर कर लें। थैंक यू वंस अगेन।